अजमेर के चंदवड़दाई स्टेडियम में झूलेलाल प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज इस प्रतियोगिता के छठे सीजन का सेमीफाइनल आयोजित किया गया। आज सेमीफाइनल दो पारियों में खेला गया, जिसमें मध्याह्न में पहली पारी और दूसरी सेमीफाइनल सायंकाल को खेला जाएगा। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी ग्रुप के CMD एवं सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने सभी टीम के सदस्यों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि प्रत्येक प्रतियोगिता के दो पहलू होते हैं, हार और जीत। दोनों में से किसी का एक का होना तय माना जाता है। कृष्णानी ने कहा कि हार से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार से ही जीवन में और अधिक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि जीत प्राप्त होने पर अहंकार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं और उसमें से कभी हेड और कभी टेल भी हो सकता है। आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में विजेता रही टीम में से दो टीमों द्वारा कल फाइनल खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले में विजेता रहने वाली टीम को 31,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और उपविजेता रही टीम को 21,000 रुपये नगद राशि भेंट की जाएगी। और जिस शहर में रहते हो, झूलेलाल के अधिकार हो, उसने मुझे से साथी को यहाँ पर बुलाकर यहाँ की ऑर्गेनाइजर पूरी टीम ने मुझे यहाँ पर बुलाया। देखिए, दो चीजें मान लीजिए, हार और जीत वो अलग अलग तरह हुए। जो हारता है वो हार नहीं जाता है, वो हारने के बाद अगली बार जीतने के लिए जीवन का सबसे बड़ा स्रोत होता है कि उसमें जीवन में आगे जीतना है। आज हार गए कोई दिक्कत नहीं, अगली बार देखेंगे। जैसे कैप्टन ने भी बोला कि आज हवा ने तो साथ ही लिया, टीम भी सुबह से कुछ बजे से परेशान भी रही, कई सारे कारण होते हारने के। परंतु जीतने वाले कप्तान आए, उन्होंने बोला कि निश्चित रूप से हम अगला फाइनल जीतेंगे, मेरी उनको शुभकामना है। परंतु जीवन के अंदर ध्यान रखें, कभी भी अभिमान ना। आप सिर्फ जीते हैं, सिर्फ सेमीफाइनल जीते हैं, और जीतने के बाद में आपको फाइनल जीतना है। और फाइनल जीतने के लिए जितना ज्यादा आज अब उसके बाद आप प्रयास करेंगे, जितना कल जो टीम आने वाली है, जो भी इनके बाद जो मैच हुआ उसके बाद टीम जो निकल कर आएगी, उसके साथ में बकाता आपका खड़ा हुआ ही बात मान के। कई बार आदमी होता है कि यार मेरे साथ अच्छे बॉलर हैं, हम ऑर्गेनाइजर हैं, तो हम लोगों को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं, क्रिकेट के मैदान में हार और जीत के बीच में एक छोटा सा एक पहलू हो जाता है। हेड और टेल जब अपन उठाते हैं, सिक्का जब अपन मैच की शुरुआत करते हैं, तो क्या निकल जाए वो मालूम नहीं होता। उसी तरीके से क्रिकेट के मैच के मैदान के अंदर भी क्या चीज कल आपको सपोर्ट कर रही है, क्या चीज सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको मालूम नहीं। तो इसलिए अभिमान ना करें, तो मैंने जीत की तरफ आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं साथ साथ ऑर्गेनाइजर और जितने भी यहाँ पर लगू यहाँ पर उपस्थित है, मैं सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ खेलने वाला हर व्यक्ति सिंधी है। सिंधी आप लोगों को मालूम है, सिंधी कोई जाति नहीं है, सिंधी लैंग्वेज है। हमारे जो बड़े पूर्वज यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने जब यहाँ पर आए तो वहां पर सब जाति मिला दी, हमारे लिए तरक्की सभी तरह की जाति मिला दी। परंतु यहाँ आने के बाद में कई सारी बातचीत करने में दिक्कत आती थी, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं आपको दोनों कहूंगा क्योंकि जरूरी है, क्योंकि गाँव को जल मालूम पड़ना जरूरी है कि यहाँ है, तो उनको दिक्कत आने लगी। बातचीत करने में जो बात करते थे, तो उन लोगों ने हमारी भाषा मैच नहीं करती थी, तो उन्होंने हमको सबको सिंधी बना दिया। हमारे बड़े साहब सिंधी बोलते थे, इसलिए सब जनों को सिंधी बना दिया। और यहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे, उनको क्योंकि हमारे बड़े जो खूबर थे ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने इंग्लिश में काफी लैंग्वेज में उपकार कर बोलता, उन्होंने सब यहाँ के स्थानीय लोगों को लोकल बना दिया, क्योंकि उनको हिंदी भाषा नहीं आती थी, इंग्लिश भाषा आती थी। परंतु 57 साल के बाद मुझे अगली पीढ़ी की ज्यादा चिंता है, और आप लोगों में से 32 साल की है, 33 साल की है, 34 साल की है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट आप कर रहे हैं, ये क्रिकेट टूर्नामेंट एक समाज को जोड़ने का एक पहला है, अपनी यूनिटी करके कोई अलग तरीके के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर।
या जिस क्षेत्र में आपके कार्यक्रम हो रहे हैं उनके साथ इंटरनल जाके सपोर्ट करें। सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे लीडरशिप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए लीडरशिप की जरूरत है। और लीडरशिप तभी निकल कर आती है जब आप सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को यदि लीडरशिप में आगे कर दिया जाता है तो ये बोलते हैं कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, परंतु यदि कुछ कर पाएगा तो समाज में जुड़ा रहेगा, लोगों के साथ में जुड़ा रहेगा, तो लीडरशिप कहीं ना कहीं गलत होगी। और लीडरशिप यही नहीं है कि आदमी अपने आप को लीडरशिप में सिर्फ पार्षद तक अपने आप को केंद्रित करे, ये नहीं कि लीडरशिप में वो अपने विधायक तक अपने को केंद्रित करे। लीडरशिप का मतलब कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, मैं लीडरशिप के जरिए से मेरे को संगठन में यदि कोई दायित्व मिलता है वो किसी भी पार्टी का दायित्व होता है, मेरे को यदि दायित्व मिलता है तो उसमें जरिए से मैं लोगों को क्या बेनिफिट पहुंचा सकता हूँ। आज उस स्कीम के जरिए से जैसे आज कोई बंदा कहीं बैठा हुआ है, ऑफिस में कहीं बैठा हुआ है, लगता है मैं 5 जनों का भला कर सकता हूँ, तो वहां पे बैठ के 5 जनों का भला। आप किसी दुकान को चला रहे हैं, किसी दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा दिन भर यहीं बैठे, मेरे को तो पापा ने यहाँ पे लगा दिया, मेरे को सुबह शाम तक यहाँ कर रहे, मैं वहां रह के क्या कर सकता हूँ, वहां पे रहकर लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। यदि किसी को जन्म प्रमाण पत्र पड़ता है, मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, किसी को किसी मजदूर डायरी की जरूरत पड़ती है, किसी गरीब को लगता है किसी लड़की की शादी कराने की आवश्यकता पड़ रही है, कहीं ना कहीं समाज में हर तरीके की व्यवस्थाएं रहती है, उन व्यवस्थाओं में हम लोग आगे बढ़कर उनको जोड़ें। और मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स जो टीम है चंपा जने, क्योंकि मुख्य में 5-6 जनों को पर्सनली जानता हूँ, उनसे कहूंगा कि इनको इस तरीके से वेस्ट ना करें। मतलब एक्चुअल में गेम्स एक बहाना है, मैं आपको बताऊं कि गेम्स में कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई इतिहास के अंदर कहीं नहीं लिखने वाला है, परंतु यदि उसने समाज में कुछ कर दिया, यदि समाज में उसने कुछ अलग तरीके की अलग जलगा दी, तो समाज में इतिहास में जान जाएगा। आज चाहे नवला जी बच्चानी साहब को ले लीजिए, चाहे पुराने जो हमारे लोग किशन मुंडवानी जी को ले लीजिए, या कहीं भी करिए हिमतानी साहब को ले लीजिए, एक हमारे मुंडवानी दीदी वहाँ करती थी आशा मुंडवानी जी, उनको बात कर लीजिए, उन लोगों को इतिहास इसलिए याद रखेगा क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को बदल दिया। हम कई तरीके की परिस्थितियों के अंदर यहाँ पर अपनी जमीन छोड़कर आए हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमने अपनी जमीन छोड़ी थी, तो हम लोगों के अंदर कई सारी कुरीतियां थी, कई सारे अन्य समाज की तरफ लोग जा रहे हैं, उनको भी हम कैसे रोक सकते हैं, उसमें मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर भी हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं इसी चीज कहूंगा समाज में निरंतर सजग और जागृत रहना चाहिए। सजग और जागृत रहेंगे तो कहीं किसी तरीके की कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं परेशानी नहीं आएगी। जुलाल फैमिली का आज सेमीफाइनल का दिन था, पहला सेमीफाइनल आज साइनाथ क्लब और सिंधी वॉरियर्स के बीच में खेला गया और सिंधी वॉरियर्स पहले बैटिंग करते हुए 105 रनों पर आउट हो गई थी। उसके पश्चात साइनाथ ने बड़ी आसानी से 12 ओवर में ये लक्ष्य पूरा कर लिया। आज के मैच में अनिल उदासी जो मैन ऑफ द मैच रहे, 3 विकेट लिए और 23 रन मारे, वो मैन ऑफ द मैच रहे। इसके बाद दूसरा मैच खेला जाएगा JMT क्लब और पृथ्वीराज क्लब के बीच में खेला जाएगा, इसमें जो जीतेगा वो फाइनल आएगा। कल 9 बजे चंद्रदेही स्टेडियम में ये फाइनल खेला जाएगा, इसके अंदर काफ़ी हमारे चीफ गेस्ट पधारेंगे और समाज के मुख्य लोग भी पधारेंगे। जुलाल प्रीमियर लीग के 6ठे सीजन का आज पहला सेमीफाइनल चंद्रदेही ग्राउंड पर खेला गया, इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री कंवल प्रकाश कृष्णानी जी हमारे मध्य पधारे हैं। आप स्वामी ग्रुप के हेड हैं और हमारे मध्य हमारे सिंधी समाज को होल्ड करके रखते हैं, आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ पे पधारे हुए हैं। हमारा ये जो पहला टूर्नामेंट जब हमने पहली बार करवाया था 5 साल पहले, तो उसमें हमारी 16 टीमें थी, इस बार हमारे पास 8 टीमें थी। 8 टीमों को हमने 2 ग्रुप में बांट के हमारे मैच करवाए थे। ए और बी ग्रुप में से हमारे पास 2-2 सेमीफाइनलिस्ट प्राप्त हुए थे, जिसका पहला सेमीफाइनल का मैच आज सुबह 8 बजे चालू किया गया था, जो साइनाथ क्लब एवं सिंधी वॉरियर्स के मध्य खेला गया था। सिंधी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया था, उसके पश्चात जब मैच स्टार्ट हुआ तो वह कुल मिला के 105 रन पर ऑल आउट हो गई। श्री अनिल उदासीन द्वारा 3 विकेट झटके गए तथा 10 रन की पारी खेली गई। इसके साथ साथ श्री प्रदीप सोनी जो साइनाथ क्लब के मुख्य गेंदबाज हैं, उनके द्वारा 8 रन देकर 3 विकेट लिए गए। 105 रन का पीछा करते हुए साइनाथ क्लब द्वारा मात्र 12 ओवर में ही यह जीत दर्ज कर ली गई तथा पहले फाइनलिस्ट बने। दूसरा मैच हमारे मध्य पृथ्वीराज क्लब एवं JMD क्लब के मध्य स्टार्ट होने वाला है,
इसमें से जो टीम जीतेगी वह कल सुबह 9 बजे साइनाथ क्लब के साथ में फाइनल खेलेगी। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773-26213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह, सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।